व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। और एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो जो कि है बल्किंग के ऊपर, मास गेनिंग के ऊपर, साथ ही साथ आपकी साइज और स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया, Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऑक्सीमेथलोन के बारे में, जिसको हम कॉमनली जानते हैं एनाड्रॉल के नाम से, जो कि इसका एक ब्रांड नेम है। और जो ऑक्सीमेथलोन की मैंने बात की है, वो एक इसका मेडिकल लाइन में, एक साइंस में इसको नेम के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारी मेडिकल लाइन में यूज़ होता है। बट बॉडी बिल्डिंग में हम एनाड्रॉल के नाम से इसको जानते हैं। मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखना और बने रहना इस वीडियो में, ताकि आपको सारी हेल्प मैं दूंगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये अवेलेबल हो सकती है, क्या इसकी प्राइसिंग है, क्या इसकी डोजेस है, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे हम अपने साइड इफ़ेक्ट्स को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, और क्या क्या हम सेफ्टी मेजर्स। तो एनाड्रॉल उन लोगों के लिए है जो अपनी बॉडी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, मास गेन करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत एक अच्छा टैबलेट है, जो कि आप अकेले एनाड्रॉल की साइकिल चला के भी, इसको रन करके भी अपने अंदर अच्छे चेंजेस ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मैं आज आपको पहले इसके बारे में एक ब्रीफ में डिटेल दे देता हूँ कि ये काम कैसे करता है, क्या क्या इसके। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, उनको बहुत एक जल्दी है, उनके अंदर पेशेंस नहीं है कि उनके बहुत जल्दी साइज गेन होने लग जाए। तो अगर वो इस टैबलेट का सपोर्ट लेते हैं, तो उनके अंदर बहुत जल्दी चेंज आने लग जाएंगे, क्योंकि ये वाली जो टैबलेट है, ये आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपके रिजल्ट्स आने शुरू कर देते हैं। ये इसका एक खासियत है, जिस वजह से ये रैपिड इंक्रीज करता है आपके मसल मास में, साइज में और स्ट्रेंथ में। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है आपके रेड ब्लड सेल्स को इम्प्रूव करने में, इंक्रीज करने में, साथ ही साथ आपके जो मसल मास है, जो प्रोटीन सिंथेसिस है, उसको बढ़ा देता है, जिससे कि आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं उनको ज़्यादा ब्लड फ्लो मिलता है, जिस वजह से आपको हेल्प मिलती है मसल को ज़्यादा ग्रो करने में, आपकी साइज बढ़ता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी भूख बढ़ा देता है, जिससे आप ज़्यादा खाते हैं, आपकी बॉडी में ज़्यादा ब्लड बनता है, मसल्स को ज़्यादा लगता है। जितना आप अच्छी चीज़ें खाओगे, उतना ज़्यादा आपको मसल इंक्रीज होने में आपको हेल्प मिलेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जितनी अच्छी आप डाइट लोगे, उतना अच्छा आप मसल इंक्रीज कर पाते हो। और साथ ही साथ आपकी बॉडी में ये नाइट्रिक ऑक्साइड की रिटेंशन करता है। लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड में अगर कहूँ, तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल होता है उसको ज़्यादा कर देता है, जिस वजह से जब आप वर्कआउट से पहले इसको लेते हो, तो आपकी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल बनती है। तो आप जिस मसल को ट्रेन करते हो, वो ज़्यादा पंप होता है, ज़्यादा ब्लड उसमें फ्लो करता है, जिस वजह से आपको हेल्प मिलती है, आप मसल को ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी बहुत जल्दी रिकवरी करता है बॉडी में। आपने वर्कआउट परफॉर्म किया, आप नेक्स्ट डे फ्रेश उठते हो, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में फैटीग कम करता है, जो कि थकावट से आप महसूस करते हो वो भी कम करता है, और जल्दी आपकी मसल्स को रिकवर करता है, जिस वजह से आप नेक्स्ट डे के लिए भी रेडी रहते हो वर्कआउट अच्छा परफॉर्म करने के लिए। बाकी मेरी जो रिकमेंडेशन होती है हमेशा, वो येस नहीं होती किसी भी टैबलेट या स्टीरॉयड के लिए, बट फिर भी अगर आप लेना चाहते हो, तो आपको ये चेक करना है कि आपकी क्या टॉलरेंस है, आप कितना इसको टॉलरेट कर पा रहे हो, आपके लोग को ये सूट कर भी रहा है कि नहीं, वो आप पहले 1-2 दिन लेके ट्राई करके देख सकते हो। तो मैं आज आपको, जब टॉलरेंस की बात हो रही है, तो मैं बता देता हूँ कि आपको डोजेस कैसे रखनी है। मैंने एक स्लैब बनाया जिसमें मैं बताऊंगा कि बिगनर को कितना और इंटरमीडिएट को और एडवांस लेवल वाले को कितना एमजी तक लेना है। तो बिगनर जो है वो डेली का 20 से 50 एमजी तक ले सकते हैं। वैसे 50 एमजी से स्टार्ट होती है, तो वो एक टैबलेट लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको आप हाफ तो करोगे नहीं। तो बेटर है कि आप एक टैबलेट ले सकते हो 50 एमजी की रोज, और आप वीकेंड्स पे उसको ऑफ कर सकते हो, जिससे कि आपके बॉडी को एक गैप भी मिलेगा, 1 या 2 दिन का सैटरडे संडे ऑफ अगर आप करते हो, तो फिर आप मंडे टू फ्राइडे लेके दोबारा उस पर ट्रेन कर सकते हो, और कुछ टाइम बाद आप उसकी डोजेस 75 एमजी तक कर सकते हो। और अगर मैं इंटरमीडिएट की कहूँ, तो वो 75 से लेके 100 एमजी तक ले जा सकते हैं, जो ऑलरेडी 3 या 4 साल से वर्कआउट कर रहे हैं उन लोगों के लिए। और जो बहुत एडवांस लेवल पे हैं, उनको वैसे बताने की जरूरत है नहीं, उनको सब पता ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अलग लेवल पे हैं। मैं बता देता हूँ कि वो 75 एमजी से 100 एमजी तक जा सकते हैं, और जिनको 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं वर्कआउट करते हुए, वो इस टैबलेट की शुरुआत 2 टैबलेट से भी कर सकते हैं, जो कि 100 एमजी की होंगी, और उससे अपना अच्छा वर्कआउट और मसल में मास इंक्रीज कर सकते हैं। उनका गोल ऐसा है कि उनको आगे और अपने बॉडी में चेंजेस लाने हैं, मसल मास को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, जो एडवांस लेवल पर ऑलरेडी हैं उनके लिए। तो जैसे मैंने टॉलरेंस की बात की थी, तो जो मेंस हैं वो इसको ईजिली टॉलरेट कर लेते हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। फीमेल को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो एक टैबलेट है, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग एंड्रोजेनिक इफेक्ट वाली है, जो कि मेल्स तो टॉलरेट कर लेंगे बट फीमेल्स के लिए नहीं है। तो मेरा बहुत बड़ा नो है फीमेल्स के लिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा फीमेल्स को, क्योंकि प्यूबर्टी की प्रॉब्लम आ सकती है, फेशियल हेयर ग्रोथ हो सकता है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि फीमेल इसको ट्राई करें।
अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की नॉर्मल बात करूं तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि टैबलेट जो होती है उसका एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो कोई भी टैबलेट हो, एनाड्रोल हो, अनावर हो, स्टेनाजोल हो, या फिर वो डायनाबोली क्यों ना हो, आपके बॉडी में जब वो जाएगी, आपके ऑर्गन्स पे वो जाएगी, पहले वो आपके लीवर में जाएगी, तो वो लीवर टॉक्सिसिटी कर सकती है। उसके लिए आपको अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि क्या क्या आप सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या ऐसे मल्टीविटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं, जैसे कि आप फिश ऑयल ले सकते हो जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखेगा, लाइक हार्ट हेल्थ को आपकी अच्छा रखेगा, आपकी हेयर्स को अच्छा रखेगा, आपकी ओवरऑल स्किन को अच्छी रखेगा, जॉइंट्स के लिए अच्छा है। साथ ही साथ आप लीवर सपोर्ट ले सकते हो जो आपके लीवर को बचाएगा उल्टी सीधी टॉक्सिसिटी से, जिससे कि आपको एनाड्रोल लेते हुए भी घबराहट नहीं होगी और आप फ्री माइंड से एनाड्रोल को लोगे और अपने अंदर रिजल्ट्स देखने शुरू करोगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि कैसे आप सेफ्टी मेजर्स ले सकते हो और साइड इफेक्ट से बच सकते हो। बाकी साइड इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है आपको, जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जब टैबलेट्स कोई चलाते हैं या कोई स्टीरॉयड चलाते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है, तो उसका यही एक रीज़न होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। और साथ ही साथ आपको कभी ईचिंग भी होती है, जिससे कि आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है आपके, जैसे कई लोगों को मैंने देखा है कि उनके बैक में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है और हाथों में, या फिर उनके नेक पे रेडनेस हो जाती है, तो ये एक एक्ने की प्रॉब्लम उनके साथ हो सकती है। एक लास्ट प्रॉब्लम जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसको हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, जो कि आपके एस्ट्रोजन को बना सकती है, तो उसके लिए मैं आपको यही एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप उसमें आफ्टर साइकिल या फिर ड्यूरिंग साइकिल भी आप कुछ ऐसी नॉल्वाडेक्स टाइप कोई टैबलेट चला सकते हैं जो कि आपको एस्ट्रोजन बनने से बचाएगी। और अगर आपका बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एस्ट्रोजन बनने में, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप नॉल्वाडेक्स का यूज़ रेगुलर वे में करें, जिससे कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन नहीं बनेगा और आप अपनी अलग अलग जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट्स हैं या फिर आपका जो गोल है वो आप इजीली अचीव कर पाओगे फ्रीली माइंड से। साइड इफ़ेक्ट्स की जो लिस्ट मैंने बताई है, इसमें मैं आपको लास्ट में ये भी बता देता हूँ कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, मैं आपको एक वॉर्न कर रहा हूँ कि आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर आप इस टैबलेट का यूज़ करते हो। उसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो कि अपने साइड इफ़ेक्ट्स को बचा सकते हो, रोक सकते हो, मिनिमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपनी जो भी टैबलेट यूज़ कर रहे हो मसल गेन के लिए उससे आप बच पाओ। प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो आपको ये अंडर 2000 आपको मिल जाती है। ये बहुत अलग अलग तरह के ब्रांड्स आते हैं, मेडिटेक आता है, थाइगर आता है और अलग अलग बहुत सारे रशियन एनाबॉलिक्स है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं जो एनाड्रोल बनाते हैं और एनाड्रोल को सेल करते हैं, ये ब्रांड हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं। तो उसी तरह मैं आपको बता देता हूँ कि हर ब्रांड का एक अलग अलग रिजल्ट होता है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो किसी को कोई ब्रांड सूट करता है, किसी को कोई ब्रांड सूट। रिजल्ट्स की जब बात हो ही रही है तो मैं आज आपको ये भी बता देता हूँ कि आप स्टैकिंग कैसे कर सकते हो अपने गोल के अकॉर्डिंग, जिससे कि आप अपने मन चाहे रिजल्ट्स ले पाओ। जो आपके डिज़ायर गोल हैं, आपका लीन गेन का है या मास गेनिंग का है, वो भी आप किस तरह स्टैकिंग करके अपनी बॉडी में चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। तो अगर आपका गोल लीन गेनिंग का है तो मैं आपको यही कहूँगा कि पहले आप 1 से 6 हफ्ते तक अपनी बॉडी में एनाड्रोल का यूज़ करो, उसके बाद आप मिनस्ट्रोल को उसके साथ स्टैक कर लो, जिससे कि आपका साइज़ गेन होने के बाद आप उसको लीन गेन कर पाओगे और अच्छा अपनी बॉडी में चेंज देख पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी बॉडी में अच्छा मसल मास इंक्रीज़ करना चाहते हो, आप एक बिगनर हो, आप फाउंडेशन करना चाहते हो अपने मसल्स में, एक न्यू मसल को ग्रो करना चाह रहे हो, बिल्कुल आप न्यू हो, अभी आपको सिर्फ थोड़ा टाइम या 3 या 4 महीने हुए हैं जिम जाते हुए और आप कुछ चेंज चाहते हो अपनी बॉडी में, तो मैं आपको कहूँगा कि आप एनाड्रोल के साथ टेस्टोस्टेरोन का जो इनहैंसेट है उसको यूज़ करो, जिससे कि आपकी बॉडी में बल्किंग भी होएगी, मास गेनिंग भी होएगी, साइज़ भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपको एक फाउंडेशन दे दे, जिससे कि आप अपने मसल को डेवलप करना स्टार्ट कर दोगे। उस स्टैकिंग में आप टेस्ट इनहैंसेट का आप 250 से 500 mg पर वीक एज पर योर एक्सपीरियंस लेवल आप उसको यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ एनाड्रोल का एक स्टैक कर सकते हो, जिससे कि आप एनाड्रोल को जो है वर्कआउट से पहले ले सकते हो और वर्कआउट के बाद आप टेस्ट इनहैंसेट ले सकते हो, जो कि वीकली के अकॉर्डिंग 250 से 500 mg अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में एक ह्यूज चेंज आए, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आए, आप बिल्कुल ही अपनी मसल मास को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो मैं आपको कहूँगा कि आप एनाड्रोल के साथ ट्रेनबोलोन का स्टैक करो और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन इनहैंसेट का स्टैक करो, जो कि एक आपकी अलग ही मसल डेफिनेशन दिखाएगा कुछ समय में। अगर आप अच्छे से वर्कआउट का रूटीन फॉलो करोगे, रिजल्ट्स अच्छे लोगे, टाइम पे हर चीज़ लोगे, डाइट अच्छी लोगे, रेस्ट पूरा करोगे,
मैं आपको ये कहूँगा कि टेस्ट इनैंथेट, ट्रेनबोलोनिन एसीटेट और एनाड्रोल का स्टैक करो, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और एक अलग ही लेवल पे आपका मसल मास और साइज गेन होगा। उसमें भी आप क्या कर सकते हो, उसमें भी आप टेस्ट इनैंथेट, जैसे मैंने पहले बताया 250 से 500 mg पर वीक ले सकते हो। मैंने ट्रेन एसीटेट का आपको बताया, उसमें आप 75 mg ऑल्टरनेट डेज पर ले सकते हो, वीक में दो बार 150 mg तक का टोटल आप ले सकते हो। बट अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस लेवल पे हो, ऑलरेडी कुछ आप मैच्योर हो अपने मसल मास में, तो आप 150 से 250 mg तक का भी उसमें इंक्रीज कर सकते हो टेस्ट इनैंथेट। साथ ही में एनाड्रोल डेली की आप 50 mg से 75 mg तक ले सकते हो, जैसे कि मैंने पहले डोजेज बताई, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो एनाड्रोल के ऊपर। उम्मीद करूंगा आपको काफ़ी सारे अपने डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको पता चला होगा कि मैं किस लेवल पर बैठा हूँ और मुझे क्या क्या यूज़ करना है। करूंगा मेरी यह आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, नीचे कमेंट भी आप मुझे कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी बहुत कुछ मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कहूँगा कि आप मेरी वीडियो देख के अपने अंदर चेंजेस लाएँ और मुझे बताएं कि मैंने आपकी वीडियो से ये चीज़ें सीखी हैं। इसी के साथ इस वीडियो को कर देता हूँ मैं यहीं पर एंड, और जल्दी मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।